द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव चूजन फॉर यू पीपल इज दिस वन, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने भी दे रखे हैं यानी कि सारे के सारे रिन्यूएबल होंगे, नॉन रिन्यूएबल कौन सा होगा? तो वुड बेसिकली कैसा है? रिन्यूएबल है, ठीक है। सन कैसा है? सन रिन्यूएबल। विंड कैसी है? विंड भी, विंड भी रिन्यूएबल है, सिर्फ ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल कौन सा है? सिर्फ ये है। तो आपको इसको याद रखना है। तो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वही नॉन रिन्यूएबल होते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन हैपेंस बिकॉज। एसिड रेन क्यों होती है? ठीक है, एसिड रेन सबसे पहले तो इसकी कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए कि इसकी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसकी कंपोनेंट पता कर लेंगे। ये जिस स्टूडेंट की भी माइक ओपन है ना तो वो इसको बंद कर लें तो ज्यादा अच्छा है। म्यूट रखें सारे स्टूडेंट्स, अपने आप को म्यूट रखें, अनम्यूट ना करें। तो एसिड रेन की बात कर रहा था मैं। एसिड रेन होती क्यों है यहाँ पर ये पूछा है सर। तो सन हीट्स अप द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। दिस इज नॉट द एसिड रेन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेस ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। क्या ये आंसर है बच्चों? यस सर, यस सर। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। हालांकि ये कंफ्यूजिंग है अभी। इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन अमंगस्ट क्लाउड। दिस इज नॉट द आंसर। अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स एसिड रेन। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इस वाले ऑप्शन में। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप ये, आपको क्या याद रखना है? आपको ये, आपको आपको जो बेसिकली याद रखना है वो क्या रखना है? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन, क्योंकि इसका भी सवाल आ सकता है, और सल्फर। बात समझ में? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो होते हैं, या नाइट्रोजन या सल्फर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज द करेक्ट आंसर बी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल और क्वेश्चन। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस कल पढ़ाया गया था, कौन देगा जवाब? सर मीथेन। डी। ये देखिए बच्चों को याद है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब फायदा हो रहा है बच्चों को। ठीक है, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा आप लोगों को? यस सर। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ द पावर जनरेटेड इन ए विंड मिल। विंड मिल के अंदर जो पावर जनरेट होती है, सबसे पहले तो विंड मिल होती क्या है? ये जो अभी फोटो शुरू में था ना, वही बेसिकली एक विंड टर्बाइन दिखा रखा था। तो कह रहे हैं ऑप्शन ए, द पावर जनरेटेड इन विंड मिल इज मोर इन रेनी सीजन सिंस डैम्पियर वुड मीन मोर एयर मास हिटिंग द ब्लेड्स। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो बेसिकली रेनी सीजन होगा उसमें मॉइस्चर ज्यादा आ जाता है एयर के अंदर, ठीक है। तो एयर हैवी हो जाएगी और हैवी चीज जब किसी से टकराएगी, ब्लेड से टकराएगी, तो बेसिकली क्या होगा कि तो उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये एक्चुअल आंसर नहीं है, क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये आंसर नहीं हुआ। डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट कितनी भी ज्यादा हो, अगर हवा ही नहीं चल रही तो फिर कहां से पैदा हो जाएगी बिजली। डिपेंड्स ऑन द विंड वेलोसिटी। क्या ये आंसर है? यस सर, यही आंसर है। कैन बी इंक्रीज बाय प्लांटिंग टॉल ट्रीज क्लोजर टू द टावर। तो हम टॉल ट्रीज कभी भी ऐसी जगह पर रखते ही नहीं है जहां पर टॉल ट्रीज हो। बात समझ में आई? जहां पर टॉल ट्रीज हो वहां पर हम रखते ही नहीं है, बल्कि अगर रखे लगे हुए भी होंगे तो काट देंगे। बात समझ में आई? और जहां आमतौर से तेज हवाएं चलती हैं वहां टॉल ट्रीज होते भी नहीं है, रुक भी नहीं पाते। द आंसर विल बी सी। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। दिस इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट,
इस तरह के क्वेश्चन जो है वो काफी बार पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस में टाइम लगता है और कंफ्यूजन भी इसी तरह के क्वेश्चंस में आम तौर से देखा गया है ना। तो अब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, पता नहीं किस टॉपिक का है, किसका है, ये तो पढ़ने के बाद समझ में आता है। वी आर एनकरेज टू प्लांट मोर ट्रीज सो एज टू इंश्योर क्लीन एनवायरमेंट। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? तो ये तो बेसिकली ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर में हमें क्या पता लगाना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना। इनकरेक्ट, तो ये आंसर नहीं है हमारा, बस में दिस इज नॉट द आंसर। गोबर गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन क्रॉप्स वेजिटेबल वेस्ट एटसेट्रा डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कैसा आंसर है, ये बेसिकली ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। True statement है, तो this is not our answer. बात समझ में? सर, सही आंसर है इसका। The main ingredient of biogas is ethane. यहाँ पर ऑब्जेक्शन है, क्योंकि कल हमने क्या पढ़ा था, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन होता है, ठीक है, एंड इट गिव्स ए लॉट ऑफ स्मोक, ऑल्सो प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ रेजिडुअल ऐश। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, तो ये बेसिकली कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट है तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इनकरेक्ट पता लगाना था। चौथा भी पढ़ लेते हैं, बायोमास इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोमास क्या है, बेसिकली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यस, ये भी हमारा जो है वो गलत आंसर है। तो सही जो आंसर है वो हमारा, मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, स्टेटमेंट तो ये ट्रू है, लेकिन ये आंसर गलत है, आंसर नहीं हुआ ये, ठीक है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि स्टेटमेंट तो ये ट्रू है लेकिन आंसर नहीं हुआ, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। Now, next question is, a good fuel is one that possesses. कौन सा फ्यूल गुड फ्यूल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल में पढ़ेंगे आप, और ये मैंने आपको समझाया भी था, कैलोरिफिक वैल्यू की बात भी करी थी। कह रहे हैं कि हाई कैलोरिफिक वैल्यू होनी चाहिए, तो कैलोरिफिक वैल्यू मस्ट बी वेरी हाई। इग्निशन टेम्परेचर लो, इग्निशन टेम्परेचर का क्या मतलब है, कौन सा टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर होता है भाई, भावना बताओ। Sir, the temperature at which a fuel catches fire. हाँ, तो वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर या हाई होना चाहिए? हाँ, अब देखो ये कंफ्यूजिंग है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। शफक आप बताइए। और कौन बताएगा, सुमेरा आप बताइए, बेटा हादिया आप बताइए, इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? सर लो। सर लो। अब इस बात को समझ लीजिए आप, ना तो इसमें हाई से काम चलेगा ना लो से काम चलेगा। अब इसमें क्या है, अगर आपने लो कर दिया, इग्निशन टेम्परेचर लो कर दिया तो गर्मियां तो कितना लो करेंगे आप लोग, आप कर देंगे फॉर एग्जाम्पल 70 डिग्री सेल्सियस, तो गर्मियों के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस तो वैसे ही हो जाता है। यहाँ पर जैसलमेर में तो 57 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, वहां पर अगर थोड़ा सा भी फ्रिक्शन और मिल गया तो 70 डिग्री सेल्सियस तो अचीव हो जाएगा, तो 70 डिग्री सेल्सियस पे तो फ्यूल में आग लग जाएगी, बिना इस्तेमाल किए लग जाएगी, तो स्टोरेज में प्रॉब्लम आएगी बहुत ज्यादा, हर वक्त हमें ठंडा रखना पड़ेगा उसको। और अगर आपने इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई रख दिया, फॉर एग्जाम्पल 200 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 200 डिग्री सेल्सियस पर तो ये होगा कि आप उसे जला ही नहीं पाएंगे, अगर ठंड पड़ रही है, अगर जाड़े हो रहे हैं, फर्ज कीजिए आजकल तो वैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस चल रहा है या 5 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो आपको किसी चीज को गर्म करना है, माचिस की तीली भी अगर आप फ्रिक्शन से वहां पर टेम्परेचर अचीव करेंगे तो 200 डिग्री सेल्सियस नहीं हो पाएगा। तो इग्निशन टेम्परेचर हमेशा कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मॉडरेट। ये सारी चीजें रब करके बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, यहाँ पर दो जगह लिखा हुआ है मॉडरेट। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है, तो जब कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी और इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होगा तो वही बेसिकली फ्यूल जो होगा, ये इस तरीके का वाला जो फ्यूल है ना, ये वाला जो यहाँ पर शो किया गया है सी पर, यही बेसिकली आइडियल फ्यूल कहलाएगा। आइडियल फ्यूल की तो खैर इनफाइनाइट होगी कैलोरीफिक वैल्यू, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी चीज की इनफाइनाइट नहीं हो सकती दुनिया के अंदर, वो तो जन्नत में ही मिलेगी हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाले फ्यूल में। दुनिया के अंदर तो आपको जो है वो वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाले मिल जाएंगे और मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर वाले मिल जाएंगे, जिसको कि हम गर्मियों में भी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें और सर्दियों में भी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। सर थोड़ी कम आई।
कम कम आई है। अच्छा यस सर, देखो इग्निशन इग्निशन टेम्परेचर सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप, इग्निशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर किसी चीज में आग लग जाती है, जो जिस पर किसी चीज जिस पर कोई चीज इग्नाइट हो जाती है, इग्नाइट बात समझ में, जिस पर कोई चीज इग्नाइट हो जाती है वो आग पकड़ लेती है, बात समझते हैं इसको, अब समझ में आ गया इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। यस सर, तो ये सवाल ये है कि जो गुड फ्यूल है, जो गुड फ्यूल है कोई सा भी फ्यूल गुड कब कहलाएगा, गुड जब कहलाएगा जब उसको एक ग्राम अगर हम जलाएं या कंबशन करवाएं तो वो ज्यादा जूल एनर्जी दे, तो पर यूनिट मास उसके पास उससे जो रिलीज होने वाली एनर्जी है वो ज्यादा मिलनी चाहिए, तो ये तो बात पक्की है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, ये तो हमने पढ़ रखा है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, इसको हाई इसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस बाई बर्निंग ए फ्यूल बाई बर्निंग ए यूनिट मास ऑफ ए फ्यूल, यूनिट मास जब हम बर्न करेंगे तो उसकी जो उससे जो एनर्जी मिलेगी वही बेसिकली कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है, बात समझ में आती है। अब इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे उस किसी चीज में आग लगती है, जब मिनिमम पे लग रही है तो मैक्सिमम पे भी लगेगी, बात समझ में आ रही है। अब ऑप्शन ये है कि कौन सा अच्छा होगा, जिसकी मॉडरेट हो, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर हो, लो इग्निशन टेम्परेचर हो या हाई इग्निशन टेम्परेचर हो, बात समझ में, यहां पर हाई का ऑप्शन नहीं है, बस यहां पर क्या लिखा है मॉडरेट और क्या नाम है आपका लो, तो मॉडरेट होना चाहिए, मॉडरेट ना तो हाई हो ना ही लो, यहां पर हाई का ऑप्शन नहीं है, एक एक ऑप्शन में लिखना चाहिए था हाई इग्निशन, मैंने शुरू में देखा नहीं इसको वरना मैं कर देता, हाई इग्निशन टेम्परेचर, तो हाई इग्निशन टेम्परेचर अगर किसी फ्यूल का कर दिया तो क्या होगा कि उतना टेम्परेचर हमको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत कुछ चीजें जलानी पड़ जाएंगी, कुछ और फ्यूल की जरूरत पड़ जाएगी, तो बहुत हाई, आपने देखा मोटरसाइकिलें देर में स्टार्ट होती हैं आजकल, सुबह में जाड़े में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मैं पापा स्टार्ट करते होंगे तो देर में होती है या नहीं होती, कभी कभी है ना, तो कई बार जब हम किक लगाते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करा जा रहा है, आई होप कि आपके बात समझ में आ गई होगी कि मॉडरेट क्यों होना चाहिए। यस सर, ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर फोर फ्यूल्स व्हिच ऑल कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन है, चार फ्यूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन ये दो कंपोनेंट है, यानी हाइड्रोकार्बन है, कोई फ्यूल ऐसा है कि हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है और उसके आगे के आपके जो कंपाउंड कंपाउंड है वो है हाइड्रोकार्बन के, तो कह रहे हैं द फ्यूल हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू विल बी वन विच हैज, तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू कौन सी होगी, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू कार्बन जिसके अंदर ज्यादा होंगे वो होगी या हाइड्रोजन जिसके अंदर ज्यादा होंगे वो होगी, कह रहे हैं मोर कार्बन बट लेस हाइड्रोजन, लेस कार्बन बट मोर हाइड्रोजन, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, लेस कार्बन एज वेल एज लेस ऑफ हाइड्रोजन, तो याद रखिए ये जो आपके हाइड्रोजन है इसमें इसमें फ्लेमेबल कौन है, ये हाइड्रोजन जो है यही बेसिकली फ्लेमेबल है, बात समझ में आ रही, कार्बन तो इसको बांध के रखता है, कार्बन तो बेसिकली इसको बांध के रखता है, तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू एक्चुअली में प्रेजेंस ऑफ कार्बन डिक्रीजेस द कैलोरीफिक वैल्यू एंड इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एश आफ्टर द कंबशन, कंबशन के बाद अगर कार्बन की वैल्यू ज्यादा है किसी फ्यूल के अंदर, कार्बन की वैल्यू अगर ज्यादा है तो इट लीड्स टू इंक्रीज ऑफ एश, ये बेसिकली क्या करेगा एश को, इंक्रीज ऑफ एश आफ्टर द कंबशन, तो बेसिकली फ्लेमेबल जो है वो हाइड्रोजन है, तो यानी हाइड्रोजन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, आपने देखा भी होगा कि जब रोड पर से ऐसे ट्रक गुजरते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन जारी होती है, लिक्विड किसी भी तरह की हाइड्रोजन जारी होती है, तो उस पे बाकायदा लिखा हुआ होता है इट इज हाईली इनफ्लेमेबल, हाइड्रोजन जो है इनफैक्ट पेट्रोल से भी ज्यादा जो है वो फ्लेमेबल है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है, yes, तो क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए बच्चों, मोर ऑफ कार्बन, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, लेस ऑफ कार्बन बट मोर हाइड्रोजन, तो यही आंसर होना चाहिए, yes, sir. ठीक है, yes, sir. समझ में आ गई बच्चों, yes, sir. यही आंसर मैंने लगा भी रखा है।
डाल दिया पहले से कुछ काम नीचे मैं आ रहा हूँ बस हो जाएगी खत्म ठीक है बच्चों समझ में आ गया यस सर यस सर मेरी चाय आ गई चाय पीऊंगा मैं जरूर ठंड बहुत लग रही है जरूर सर ओके मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन ही और होंगे अच्छा अभी कई क्वेश्चन इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मोर इलेक्ट्रिकल पावर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हम मीटिंग या नहीं हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं कह रहे हैं इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मोर इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड इफ वाटर फॉल्स फ्रॉम ग्रेटर हाइट बिकॉज कल या परसों हमने डिस्कस किया था इसको हाइड्रो पावर प्लांट को ठीक है उसका वीडियो शायद मैंने अपलोड नहीं किया अभी तक तो वो रह गया मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा आप लोगों में से कोई मुझे याद भी नहीं दिलाता पूरे दिन वरना मैं याद आ जाए तो अपलोड कर दूं इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मोर इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड इफ वाटर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेटर हाइट ठीक है ग्रेटर हाइट से अगर वाटर गिरेगा तो मोर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होगी इसकी वजह पूछिए इसकी वजह जो है वो बताइए चार ऑप्शन में इट्स टेम्परेचर इंक्रीज अगर वो ज्यादा हाइट से गिरेगा तो टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर बात समझ में आ रही है क्योंकि हीट एनर्जी थोड़ी कन्वर्ट कर रहे हैं हम तो पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने से पहले एक बीच में और कन्वर्ट होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में कल बात की थी हमने फॉर एग्जाम्पल ये आपका अगर डैम है दिस इज डैम और ये समझिए कि आपके यहां पर पीछे से वाटर आ रहा है ठीक है ये वाटर गिर रहा है तो इसकी ये जो आपकी बेसिकली हाइट है ये जो हाइट है ये ज्यादा है तो यहां पर पोटेंशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है और यहां पर आ गया फिर इसको क्या मिल गया इसको मिल गया आपके टर्बाइन का ये सिंबल होता है टर्बाइन का ये सिंबल होता है ठीक है ये इसको क्या मिल गया टर्बाइन और टर्बाइन कनेक्ट हो गया किस चीज से टर्बाइन कनेक्ट हो गया जनरेटर से और जनरेटर से आपके क्या मिल गई दो वायर्स में या तीन वायर्स में हमको मिल गई इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कब होगी जब यहां पर मिलने वाला जो मैकेनिकल एनर्जी है वो ज्यादा होगी ये ज्यादा कब होगी जब यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं यस सर ठीक है तो होता क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पहले कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी ही है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है कौन सा कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है ये आप लिखते जाइए मैं शॉर्ट लिख रहा हूं इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मतलब देयर इज ए मूविंग पार्ट वहां पर कोई मूविंग पार्ट होगा तो मूविंग पार्ट कहां पे मिल रहा है यहां पे मिल रहा है तो इसके बाद ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है इसके बाद क्या मिलती है हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ठीक है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बेसिकली मामला जो है इसके इसके हमसे जो बात पूछी गई है ना वो इस पॉइंट से रिलेटेड पूछी गई है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड बात समझ में आ रही है मिटा दी सब चीजें यस सर अब सवाल पढ़ते हैं कह रहे हैं इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मोर इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड इफ वाटर फॉल्स फ्रॉम ग्रेटर हाइट बिकॉज इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस ये जवाब नहीं है लार्जर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी यही जवाब है इलेक्ट्रिसिटी कंटेंट वाटर इंक्रीज विद हाइट भाई पानी थोड़ी बढ़ जाएगा अगर अगर ज्यादा हाइट से गिर रही है तो ऐसा थोड़ी है कि पानी की वैल्यू बढ़ जाएगी कोई है ना कभी ऐसा होता है कि एक बाल्टी भरी और हमने ज्यादा ऊंचाई से मतलब नहाने बैठे तो वो डेढ़ बाल्टी हो गई या दो बाल्टी हो गई ऐसा थोड़ी होता ये भी आंसर नहीं है मोर वाटर मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट इनटू आयंस तो आयंस का कोई लेना देना नहीं है क्लाउड थोड़ी है तो सही आंसर जो है ये बी है आपका बात समझ में आ गई हाँ मैंने बी ही लगा रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत आसान क्वेश्चन है
लेकिन इसी में इसी अब इसको इस बात को ध्यान से समझ लिए, इसी में ऑप्शंस ऐसे बदल देते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस ऐसे बदल जाते हैं कि आप लोग क्या नाम है वो चकरा जाते हैं। इवन मैं चकरा जाता हूँ कभी कभी, ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं। अगर क्वेश्चन हम तलाश करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है जो बहुत आसान सा लगता है ये बड़ा मुश्किल भी लगने लगता है। विच इज नॉट, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, अगर नॉट हटा दें तो कुछ और आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फॉसिल फ्यूल लगा हुआ है, यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल लिख दें, अगर क्या लिख दें, नॉन कन्वेंशनल लिख दें। इस क्वेश्चन को कैसे कैसे बनाया, नॉन कन्वेंशनल लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कन्वेंशनल भी लिख सकते हैं। बात समझ भाई, यहाँ पर और कौन सा लिख सकते हैं, यहाँ पर रिन्यूएबल लिख सकते हैं, यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये चारों चीजों के लिए आपको तैयार रहना है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फ्यूल कन्वेंशनल है, कौन सा नॉन कन्वेंशनल है, कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। बात मेरी समझ में आ रही है, नहीं आ रही? ठीक है, यस सर। अब ध्यान से सुनिए, ये जो कोल है आपका, ये कन्वेंशनल है। कैसा है ये? कन्वेंशनल है। एट द सेम टाइम ये नॉन रिन्यूएबल भी है। कौन सा है? नॉन रिन्यूएबल। अभी हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोलियम क्या चीज है? पेट्रोलियम हमारा कन्वेंशनल फ्यूल है प्लस नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। नेचुरल गैस कैसी है? नेचुरल गैस भी हमारी कन्वेंशनल में ही आएगी प्लस नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, बात समझ भाई। और फॉसिल, ये न्यूक्लियर फ्यूल कैसा है? न्यूक्लियर फ्यूल आज की तारीख में बहुत ज्यादा कन्वेंशनल नहीं है, हालांकि कुछ पावर प्लांट जरूर है। तो इस ये एक डिबेटेबल बात है कि ये कन्वेंशनल है या नॉन कन्वेंशनल है, क्योंकि ज्यादातर पावर प्लांट हमारे जो है वो कैसे हैं, वो कोल बेस्ड हैं, तो इसको हम नॉन कन्वेंशनल कह सकते हैं। कुछ बुक्स में कन्वेंशनल भी कह रखा है इसको। बात समझ में? और कैसा है ये? नॉन रिन्यूएबल है। तो ये देख रहे हैं ये चारों के चारों कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल फ्यूल कौन से हैं? अब ये रिन्यूएबल कैसे बन सकता है, इसको आप बनाना शुरू कर दिए, न्यूक्लियर फ्यूल को आप बनाना शुरू कर दिए, तो ये आप इसको रिन्यूएबल की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो अब इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल है? सारे, ये भी फॉसिल फ्यूल है, ये भी फॉसिल फ्यूल है, ये भी फॉसिल फ्यूल है, सिर्फ ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो यही हमारा आंसर भी है। बात समझ में भाई, क्लियर हो गया या नहीं? ये इस तरह का जो सवाल है ना, इस चैप्टर में से दो सवाल आएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है कि किस तरीके का सवाल आ सकता है। अभी मैंने शायद इसके प्रीवियस PYQs नहीं दिए ना आपको? नो सर, मैं दे दूंगा इंशाल्लाह आपको मंडे में। PYQs बायोलॉजी के भी मिल जाएंगे, जो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बायोलॉजी के PYQs मैम शूट तो कर गई है सारे, वो 5 क्वेश्चन रह गए, तो मैं बिना उन 5 क्वेश्चन के नहीं करना चाहता। करीब 24-25 क्वेश्चन वो शूट कर गई है और 5-6 क्वेश्चन रह गए, तो इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगा, मंडे में मिल जाएगा, मंडे में आएंगे। नाउ न्यूक्लियर फ्यूल इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, कह रहे हैं द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ए बिग प्रॉब्लम। दिस इज एक्चुअली ए प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर फ्यूल। ये क्या चीज है बेसिकली? बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये क्या चीज है? बिगेस्ट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, न्यूक्लियर पावर तो बिल्कुल क्लियर होती है, जैसे पावर तो ठीक होती है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल को जब हम यूज करते हैं तो ये बेसिकली होता बहुत थोड़ा सा है, एक थैली में आ जाएगा, इतना फ्यूल होता है। लेकिन होता क्या है कि वो हाईली रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? तो यही बेसिकली यहां पर आंसर भी है कि ये हाईली रेडियो एक्टिव होता है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। यही वजह है कि मैंने इस क्वेश्चन को यहां आपके सामने रखा। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसके ऊपर, 200 से ज्यादा क्वेश्चन है जो कराने चाहिए। बहरहाल ये क्वेश्चन रखने की एक वजह ये थी कि ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको कि न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो बेसिकली उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूल के साथ बच्चों ये प्रॉब्लम होती है कि जब उसका वेस्ट बचता है, एनर्जी रिलीज करने के बाद जो भी उसका वेस्ट बचेगा ना, तो उसको डंप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है साइंटिस्ट के पास।
तो आईआईटीएंस ने हालांकि इसके कुछ वो निकाले, क्या नाम है, इसके इसके कुछ हल निकाले हैं, फिर भी अब तक बहुत अच्छा अल्टीमेट आइडियल सॉल्यूशन इसका नहीं निकल पाया है कि वो जो है वो बेसिकली इसको इसको हम यूज कैसे करना है, वो उसका जो वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। डिस्पोज करने का मतलब समझते हैं ना आप लोग? Yes, sir. है ना, जैसे हमारे घरों में भाई हम घरों में हम रोजाना किचन का होता है और किचन का कूड़ा होता है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं उसको डिस्पोज करते हैं कायदे से किसी ऐसी जगह पर, जैसे वो नगर निगम वालों की गाड़ी आती है तो उसको दे देते हैं, उनको दे देते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना कि हम रोड पर उसको फेंक देते हैं, एक दिन फेंक दिया, दो दिन फेंक दिया तो पता चला रोड पर इतना कूड़ा जमा हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर कि निकलना दुश्वार हो जाएगा, बदबू आएगी, स्मेल आएगी, तो उसका एक प्रॉपर कोई डिस्पोजल तरीका होना चाहिए, डिस्पोजल करने का तरीका होना चाहिए, तो वो बेसिकली सरकारें करती हैं, गवर्नमेंट करती है। इसी तरह से ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है इसका डिस्पोजल क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि बिजली बनाई और जो डिस्पोजल है वो गांव देहात में फेंक दिया है, मतलब जहां और कूड़ा फेंका जा रहा है वो भी वहां पर भी फेंक दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तो होता नहीं है, है ना, इतना होगा कि एक 5 किलो की थैली के अंदर आ जाएगा, तो आपने अगर वो ऐसे फेंक दिया तो होता क्या है कि वो हाईली रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव है तो आसपास वो रेडिएशन फेंकेगा, उसके अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही होगी, रेडियो एक्टिव है तो वो बहुत ज्यादा बीमारियां क्रिएट कर सकता है, बात समझ में आई? इसीलिए जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको उनकी सर सेफ्टी करना भी जरूरी होता है, अगर उनके ऊपर कोई अटैक हो जाए खुदा ना खासा तो होता क्या है कि जो फ्यूल है वो फ्यूल रेडियो एक्टिव होता है और वो जो होगा बेसिकली वो प्रोटेक्टेड चैम्बर से बाहर निकल जाएगा, जब वो प्रोटेक्टेड चैम्बर से बाहर निकल जाएगा तो होगा क्या कि वो जो रेडिएशन है वो आसपास की जो आबादी है उसको काफी अफेक्ट करेगा, बात समझ में? तो आंसर हाईली इनफ्लेमेबल, इससे कोई मतलब नहीं है, एक्सट्रीमली फाउल स्मेल ऐसा भी नहीं है, बदबू नहीं आती, टू हैवी वाटर उसके अंदर हम यूज करते हैं लेकिन ये बेसिकली, तो करेक्ट आंसर इज हाईली रेडियो एक्टिव। हाँ हर्ष बोलिए क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है अगर हमने उसको इंस्टेंटली मतलब जमीन में गाड़ दिया तो हाँ, अगर फर्क पड़ेगा क्या भाई? ऐसा है कि अब आप कितने गड्ढे खोदेंगे उसके लिए, दूसरी बात यह है आप जमीन हम जो है वो बेसिकली जमीन से ही अपनी फसलें, हम अपनी जमीन को बर्बाद नहीं कर सकते, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अभी कुछ मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोगों ने जैसे समरसिबल अलीगढ़ में लगे हुए थे 100 फीट पर, तो कुछ अहमकों ने क्या कर रखा है कि उनको 200 फीट पर तो एक दूसरी जगह जो है वो क्या करिए किया कि दूसरी जगह तो 200 फीट पर एक समरसिबल लगवा लिया, लेकिन वो 100 फीट वाला जो था उसमें वो रेन वाटर और अपना वेस्ट वाटर डाल रहे हैं, तो वो बेसिकली अपने हाथ पैर काट रहे हैं, अपनी जमीन को बर्बाद नहीं करना चाहिए हमें कि उसके अंदर हम कूड़ा जमा करते रहे। नॉर्मल कूड़ा है फलों का सब्जियों का, वो तो आप करते रहिए, वो बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल होता है तो वो खादी बन जाएगा कुछ दिन के बाद, लेकिन न्यूक्लियर वेस्ट खास तौर से बैक्टीरिया बहुत से, कुछ हॉस्पिटल्स की भी ऐसी सुनने में बात आई है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एक्शन लेती रहती है उनके ऊपर कि वो क्या करते हैं कि हॉस्पिटल का वेस्ट जो है वो डंप कर देते हैं जमीन के अंदर, तो जमीन के अंदर डंप नहीं करना चाहिए इन चीजों को, बात समझ में? जमीन के अंदर डंप करना इज नॉट ए सॉल्यूशन, मतलब कोई ऐसी तरकीब आप करें कि वो जमीन की मिट्टी के अंदर ना मिले तो एक बात समझ में आती है, बात समझ में? लेकिन वो आम तौर से जमीन के अंदर भी डंप करने के लिए फिर साइट्स होती हैं, कुछ साइट्स हैं इंडिया के अंदर जहां पर वो डंप किया जाता है। अच्छा कुछ पहले जो कुछ लोगों ने राय दी थी कि इसको डायरेक्ट समंदर में डाल दें तो जो बेसिकली एक्वेटिक लाइफ है वो काफी अफेक्ट हो जाएगी इसकी वजह से, तो एकदम ऐसा नहीं है कि मतलब फावड़ा लेके चले गए और कुआं खोद के जो है वो उसको दबा दिया, मतलब ऐसा नहीं करते, वो पूरी अपनी टेक्निक है, और टेक्निक तो मैं आपको क्या बताऊंगा, मुझे खुद ही पता है पूरी सी क्योंकि वो मेरा पार्ट नहीं है, आप इतना समझ लीजिए कि वो उसको डिस्पोज करना एक डिसएडवांटेज है, मतलब उसको डिस्पोज करना एक बड़ा ही टीडियस टास्क है, ठीक है? आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन रखता है तो उसको करेंगे इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे, जो बच्चे नए आए हैं वो समझ लें कि यहाँ जो क्लास होती है इसमें क्वेश्चंस भी होते हैं और थ्योरी भी होती है, तो आज क्वेश्चन बहुत दिन से कई दिन से नहीं कराए थे तो हमने ये थ्योरी कवर करी है और ये सारे टॉपिक हमने कवर किए थे इसके ऊपर जिनके वीडियो भी बने हुए हैं। तो आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो फौरन के फौरन वो बनाते हैं नोट्स?
कोई नहीं बनाता। ये बच्चों जो नोट्स तैयार हो रहे हैं ना आपके, ये वाले जो नोट्स तैयार हो रहे हैं, ये जो नोट्स मैं तैयार कर रहा हूं अभी, एक मैग्नेटिक इफेक्ट पता नहीं भेजा नहीं, ये भेज दिया मैंने आप लोगों को या नहीं? यस सर। यस सर। हाँ तो ये बड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, आप इसमें ये करिए कि इसको प्रिंट निकाल लिए तो ज्यादा अच्छा है। अगर अगर प्रिंट निकाल सके तो प्रिंट निकाल लीजिए, बहुत सी चीजों पर खर्चा होता है हमारा, पढ़ाई पर भी थोड़ा सा हो जाए तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो इसको इसका प्रिंट निकाल लीजिए। जो लोग यहाँ सिविल लाइन में रहते हैं वो तो बहुत सस्ते में निकाल सकते हैं, यहाँ रफीक कॉम्प्लेक्स में निकल जाता है 50 पैसे पर एक कॉपी निकल जाती है। जिनके घरों में प्रिंटर्स हैं वो अपने घर पर निकाल सकते हैं, बहुत साइड प्रिंट पे निकाल लीजिए इसके, इन सबके प्रिंट निकाल लीजिए। ये काफी शॉर्ट में लिखे हुए नोट्स हैं जो आपके काम आएंगे, बात समझ में? कुछ बच्चे और अफोर्ड कर सकें तो कलर प्रिंट निकाल लीजिए तो और ज्यादा फायदा होगा। कितने पेज का ये आपका वो है? 5 पेज का है सर, ज्यादा नहीं है, 5 पेज है, तो 3 ही पेज खर्च होंगे। अच्छा ये एक आपका ये हो गया फ्रंट पेज हो गया, तो इनके प्रिंट निकालते जाइए। ऐसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी का भी तैयार कर लिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसको भी हम देखेंगे। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने ये शायद आपको ये भेज दिया आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये सीबीएसई वालों के लिए बनाए थे, लेकिन ये आपके लिए भी, आपको भी, आपके भी काम आएंगे, ठीक है? ये एमसीक्यू ये भेजे मैंने आपको या नहीं? नो सर। यस सर।